वेलकम बैक गाइस, मैं तैयब शाहिद और आज की वीडियो है अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ टेंडा राउटर की। मॉडल नंबर है वो है N3000 इजी होम राउटर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, ठीक है, कुछ इसके फ़ायदे बताऊँगा और इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊँगा, बुरी चीज़ें भी बताऊँगा। और जो है ये डबल एंटीना राउटर है और मैंने दराज से ऑर्डर किया था, आज मुझे रिसीव हुआ है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसको सेटअप करना मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का जिसमें इसको सेटअप करना सिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग करेंगे, तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यार ये राउटर है, ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया, तो इस पर इस वजह से कागज़ वगैरह कोई रैपर नहीं रैप हुआ। तो पहले इसके बॉक्स को देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल जो है हमारे पास है वायरलेस N3000 इजी सेटअप राउटर, और ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दी हुई है यहाँ पे नीचे। आई थिंक ये ब्लर फोकस कर रहा है, ये फोकस कर लिया कैमरे ने। तो ये आप इसकी देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन, मॉडल नंबर N301 है, ठीक है। तो कुछ इसके मैनुअल्स भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेटअप रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, की फीचर्स इस राउटर के, ये फिर से इसका नाम है, और ये कुछ नीचे इसके बार कोड्स दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप मेड इन और सॉरी मॉडल नंबर। तो यहाँ पे कुछ इसके सेटअप गाइड है, कुछ इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये किस किस चीज़, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इंटरनेट से कनेक्ट। इसमें टोटल चार जो हैं वो पोर्ट्स लगती हैं, एक तो आपकी IPS से जो आती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो आती है, एक तो वो लग जाएगी। उसके अलावा तीन जो है, तीन इसमें कोई भी डिवाइसेस जो वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप वाईफाई पे तो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, इसकी स्पीड जो है वो 300 Mbps है, जो इसकी वायरलेस स्पीड है, देख सकते हैं आप। तो कुछ यार इसकी खसूसियात हैं, कुछ इसकी जो हैं बुरी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये आपको ऐसा मिलेगा जब आप इसको बाय करेंगे, उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन इसने होना है आई थिंक सो के जी साइड से ओपन होता है, यस। तो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो गाइस ये हमारे पास बॉक्स के अंदर से निकला है, जिसमें राउटर दिया गया कि काफ़ी चीप सा लग रहा है इसका जो है कवर टाइप, आई थिंक क्या कहेंगे इसको, जिसके अंदर ये प्लेस किया हुआ है। तो ये हमारा मेन राउटर है, काम की चीज़ मेन राउटर, जैसा कि आपको बताया था डबल एंटीना है, तो ये इसके दो एंटीनाज हैं। तो अनरैप करते हैं, ये वाइज है राउटर, साइज़ में काफ़ी छोटा है लेकिन काम ठीक दे जाएगा। ये इसके एंटीनाज हैं और ये इसके पीछे मैं आपको दिखा दूँ, चार पोर्ट्स हैं, फोकस कर ले ठीक से। ये जो आपकी ये WN WAN की है, ये इसकी पावर यहाँ पे अडाप्टर की वो लगेगी, पावर केबल यहाँ पे लगेगी, ये आपकी WAN जो IPS से आएगी केबल वो लगेगी, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर्स की केबल्स लगा सकते हैं। और ये जो बटन है छोटा सा, ये है WPS बटन, या फिर आप इसे अपना राउटर रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बैक साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे आई थिंक कस्टम पिंस लिखी होती हैं कुछ डिफ़ॉल्ट, हाँ जी। तो ये इसकी कुछ पिंस हैं और नीचे इसका SN नंबर है और कुछ इसकी डिटेल्स हैं। तो खैर छोड़ते हैं इसको, ये आपने देख लिया। ये इसका मेन जो है वो है प्रोडक्ट अपना, ये इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, आई थिंक 6 लाइट्स हैं इसमें, हाँ जी 6 लाइट्स हैं। तो उसको रखते हैं साइड पे, देखते हैं हमारे पास बॉक्स में और हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मेन चीज़ हमारी है, वो है इसका चार्जर कह लें या अडेप्टर कह लें, जो इसे पावर सप्लाई करेगा। तो इसकी स्पेस पढ़ लेते हैं, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है चीज़। तो इनपुट इसका है 1, इनपुट इसका है तकरीबन 100 to 240, 9 वोल्ट का जो है ये है अडाप्टर, 9 वोल्ट्स का। तो इसको रखते हैं साइड पे, देखते हैं इसके अलावा हमें बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमें एक केबल मिल रही है, जिसे हम इस राउटर को अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी केबल है,
यार ये छोटी सी केबल रखते हैं, इस केबल को भी साइड पर और पीछे बचता है कुछ भी नहीं। आई थिंक इसके मैनुअल होने चाहिए थे, ये रहे इसके मैनुअल जो हमें इसके साथ मिलते हैं। तो यार ये इसके मैनुअल हैं कुछ जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर। अगर आपको सेटअप करने का तरीका जानना है तो आप जब इसे बाय करेंगे इसके अंदर मैनुअल्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, उसमें सेटअप का तरीका भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेटअप की भी टेंशन ना लें आप, सेटअप का भी प्रोसीजर इन्होंने दे दिया है। और ये कुछ जनरल लाइसेंस नोटिस काम की चीज़ नहीं है अपने, तो मेन काम की चीज़ यार हमारा राउटर हमें साथ मिला है, उसके साथ हमें मिली है एक केबल, और केबल के साथ हमें इसका एक अडाप्टर मिला है जो इसे पावर सप्लाई करेगा। उसके अलावा सिंपल सा बॉक्स था, ये इसके अंदर फिर प्लास्टिक का इन्होंने दिया हुआ है ट्रे टाइप, तो ये मैनुअल है देखते हैं। तो बात करते हैं इसकी स्पेस की, तो यार जैसा कि आपने बॉक्स पे पढ़ लिया है इसकी 300 Mbps जो है इसकी पावर है। इसकी अगर आप रेंज बात करें कि इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, तो 100 meters इसकी रेंज है। लेट्स सपोज अगर आपका घर 6 या 7 मरले का है तो इजीली वहाँ पे काम दे जाएगा। तो इसकी स्पेस की बात कर ली, अब बात करते हैं कि इसके जो हैं ड्रॉबैक्स के हैं। इसकी बुरी कोई एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इसके कनेक्शंस में अक्सर प्रॉब्लम देखने को आ जाती है, यानी कि इसके कनेक्टिंग मसला थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, कभी कभार हो जाता है, विच वी कैन निगलेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छी बातें अगर देखी जाएँ वो ज़्यादा हैं, बुरी बात सिर्फ इसकी एक ही है जो मैंने नोटिस की है। तो मैंने इसको एक दिन यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ अनबॉक्सिंग की। ये रिव्यू वीडियो नहीं है, इस वजह से मैं अपने सिर्फ एक दिन के एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो यार बाय करो और यूज़ करो, और कमेंट में बताओ कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो कैसे लगी, और अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो चाहिए तब भी मुझे कमेंट करके बता दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।